राजस्थान में शुक्रवार शाम को आंधी और बारिश के साथ सियासी मौसम भी बदल गया। एक साथ 19 जिलों की घोषणा ने प्रदेश में सियासी तूफान ला दिया। हर किसी का सवाल था, क्या ये सच है? आजादी के बाद पहली बार एक साथ 19 नए जिलों की घोषणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत जब शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे तो इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि नए जिलों की घोषणा भी हो सकती है। कारण ये कि नए जिलों के लिए बनी रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबको चौंका दिया। 5 या 7 नहीं बल्कि 19 जिलों की घोषणा कर दी। राजनीतिक फायदे के साथ कई प्रशासनिक चुनौतियां भी झेलनी पड़ेंगी। नए जिलों की घोषणा के बाद चुनौतियों और आमजन के लिए फायदों को लेकर आमजन के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 की अगर बात करें तो जनता को नए जिलों से क्या फायदा होगा, बड़े जिलों में जनता के सामने आखिर क्या चुनौतियां रहती है। दूसरा सवाल, प्रदेश को क्या और कैसे फायदा मिलेगा। और तीसरा सवाल, राज्य सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन आखिर सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली है। तो पहले बात करते हैं बड़े जिलों में जनता के सामने क्या क्या चुनौतियां रहती है और छोटे जिलों में जनता को क्या सीधा फायदा मिलेगा, वहीं प्रदेश के विकास में नए जिले कैसे योगदान देंगे। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 30 सालों की अगर बात करें तो आबादी दुगनी हुई है, लेकिन जिले केवल 7 ही बड़े हैं। और वर्ष 1981 तक राजस्थान में 26 जिले थे, तब राजस्थान की जनसंख्या करीब 3.6 करोड़ थी। आज के समय में आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन जिले 33 ही बन पाए हैं। जिलों की संख्या आबादी की तरह दुगनी नहीं हो पाई। वर्ष 2008 में प्रतापगढ़ के बाद से राज्य में कोई नया जिला नहीं बन पाया। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिलों में बैठे अफसरों का सभी जगह समान फोकस नहीं रह पाता। गुड गवर्नेंस देने में परेशानी आती है और ग्रामीण जनता दूरियों के चलते परेशान हो जाती है। आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में हो रही देरी से सरकार पर भी दबाव पड़ जाता है। अब गुड गवर्नेंस और फास्ट सर्विस डिलीवरी देनी है तो ये छोटे जिलों से ही संभव है। जिले बड़े दायरे में होते हैं तो इन जिला मुख्यालय आने जाने के लिए जनता को 250 से 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। छोटे जिले होते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निगरानी बनी रहती है। दूर दराज गांवों तक के लोगों को जिला मुख्यालय पर बैठे अफसरों तक पहुंचने में आसानी रहती है। छोटे जिले का सीधा सा मतलब यह है कि विकास तेजी से जन जन तक पहुंचेगा। जिलों का आकार जितना छोटा होगा प्लानिंग उतनी ही सक्सेसफुल होगी। गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला मुख्यालय का सीधा संवाद हो सकेगा। विकास की रफ्तार तेज, कानून और व्यवस्था बेहतर, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सर्विस डिलीवरी फास्ट, सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकेगा और राजस्व तो बढ़ेगा ही। ये सभी फायदे जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे ही जिला मुख्यालय से गांवों और कस्बों की दूरियां घटेंगी, वैसे ही प्रशासन और नागरिकों के बीच जो है वो संवाद बढ़ेगा और फासले मिट जाएंगे। कलेक्टर, एसडीओ सहित सरकारी मशीनरी की रफ्तार भी तेज हो जाएगी और सभी के मुख्यालयों तक पहुंच, सड़क, पानी, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हो जाएगा। जिले छोटे होंगे तो प्रदेश के प्रशासन पर संसाधनों का बोझ भी घट जाएगा। औद्योगिक विकास तेज होगा। अब जिला छोटा होता है, सभी जगह पर फोकस करना आसान हो जाता है। जिला यूनिट बनता है तो बजट बढ़ जाता है, मैन पावर बढ़ती है और हालात बदलते हैं। महिला अपराध की अगर बात करें तो इससे लेकर कई अपराधों में राजस्थान सुर्खियों में रहता आया है। नए जिलों के गठन से उन जगहों पर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगी। पुलिस फोर्स भी बढ़ेगा, जिले में आने वाली जेलों का सुपरविजन बढ़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के आने से ट्रैफिक कंट्रोल होगा। आईपीएस के साथ साथ आरपीएस जैसी राजस्थान सेवा के अफसर जिम्मा संभालेंगे तो कई तरह के सुधार होंगे। और जब फायदे इतने हैं तो चुनौतियों को कैसे भूल सकते हैं, तो चुनौतियां भी क्या क्या आने वाली हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पहला और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहां जिलों के बीच दूरी ज्यादा है। भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि दूर दराज के इलाकों में प्रशासनिक तंत्र को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तक ये मुद्दा कई बार केंद्र के सामने उठा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक बोझ। सरकार और जनता का फायदा देखते हुए कुछ खास नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार को नुकसान सिर्फ और सिर्फ आर्थिक बोझ का है। हालांकि राज्य सरकार को नया जिला बनाने पर आर्थिक खर्च एक बार ही करना होता है। प्रशासनिक एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बार खर्चा होगा, लेकिन सरकार और जनता को बड़ा फायदा हो जाएगा। अफसरों की सैलरी, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, गाड़ियां आदि खर्चा आदि को मोटे रूप से अगर देखें तो 50 लाख रुपए प्रति जिला वन टाइम कॉस्ट आ सकती है और इसके बाद ये कॉस्ट रनिंग में आ जाती है। लेकिन सरकार के लिए जो रेवेन्यू मॉडल बनेगा उसके हिसाब से ये खर्चा कुछ भी नहीं है। फिर भी कलेक्ट्रेट भवन, पुलिस लाइन, कोषालय आदि के लिए जमीन अलॉटमेंट और भवन निर्माण में अच्छा खासा फंड लग जाएगा, इसलिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है अफसरों की कमी। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जहां अन्य राज्यों में एक आईएएस को लगभग 200 से 215 वर्ग किलोमीटर का इलाका संभालना होता है, वहीं राजस्थान में एक आईएएस अफसर के जिम्मे अन्य राज्यों से करीब 5 गुना ज्यादा 1090 वर्ग किलोमीटर इलाका होता है। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी कितनी भी योग्य हो वो काम प्रभावित करती है। राजस्थान में क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से लगभग 365 आईएएस अफसरों का कैडर निर्धारित होना चाहिए। राजस्थान कैडर में अभी करीब 100 और आईएएस की जरूरत है। राजस्थान कैडर में आईएएस के 313 पद स्वीकृत हैं, इनकी एवज में अभी करीब 248 अफसर काम कर रहे हैं। देश के जिन 3 राज्यों में तय कैडर से 100 पदों से ज्यादा की कमी है उनमें राजस्थान तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 208, बिहार में 123 और राजस्थान में 109 अफसरों की कमी मानी जाती है। तो इन सारी चुनौतियों और इन सारे फायदों को लेकर के अब हमने आपको मोटे मोटे रूप से बता दिया है। आगे देखते हैं जनता को कितना फायदा मिल पाता है।